हार्दिक पांड्या का साथी खिलाड़ियों से दुश्मनी मुंबई इंडियंस को कर देगा बर्बाद, क्या कभी रोहित शर्मा की तरह बन पाएंगे हार्दिक पांड्या? दो साल पहले पांड्या ने अंबानी परिवार के मुंह पर मारा था जोरदार तमाचा, आज वही पांड्या बन गया है मुंबई इंडियंस का मालिक। बात बात पर ईगो दिखाना घमंडी पांड्या को पड़ सकता है भारी, रोहित की जगह हार्दिक होते तो बर्बाद हो जाती मुंबई इंडियंस, खिलाड़ियों में ही हो जाता महायुद्ध। रोहित जैसा बनने में घमंडी पांड्या को लगेंगे 100 साल। सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए रोहित के फैंस, पांड्या को मिल रही ऑनलाइन गालियां। जिस खिलाड़ी को क्रिस गेल एबी डिविलियर्स से भी खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है, जिस खिलाड़ी के नाम व्हाइट बॉल क्रिकेट में 3-3 दोहरे शतक है, जिस खिलाड़ी के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का मारने का महारिकॉर्ड है, जिस खिलाड़ी के सामने दुनिया का अच्छा से अच्छा गेंदबाज भी गेंदबाजी करने से घबराता है, जो खिलाड़ी इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ पूरे क्रिकेट जगत में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा की। अब तो बीसीसीआई भी मान चुका है कि इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में हिंदुस्तान को T20 वर्ल्ड कप जीतने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मगर मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी को ऐसा लगने लगा है कि रोहित शर्मा का करियर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, रोहित शर्मा में अब पहले वाली बात ही नहीं रही। जब से मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाई है, तभी से मुंबई इंडियंस के खेमे में बवाल मचा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हार्दिक पांड्या कभी रोहित शर्मा की तरह बन पाएंगे? क्या हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा की तरह मुंबई इंडियंस को आईपीएल की ट्रॉफी जिता पाएंगे? दोस्तों, हार्दिक पांड्या का ईगो दिखाना हार्दिक पांड्या को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है। हार्दिक पांड्या बात बात पर खिलाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। आईपीएल 2023 में भी देखा गया था कि एक मैच के दौरान मोहम्मद शमी को हार्दिक पांड्या गालियाँ देते हुए नजर आए थे, लेकिन ऐसा अगर मुंबई इंडियंस की टीम में भी हार्दिक पांड्या करते हुए नजर आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीनियर है और भारतीय टीम का भी हिस्सा है, जिसमें से जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव जैसे काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं। जब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया था तो उस समय सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था, यहाँ तक कि मुंबई इंडियंस का कोई भी खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के नए कप्तान बनने पर बधाई नहीं दिया था सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। इससे साफ पता चलता है कि मुंबई इंडियंस का ग्रुप दो ग्रुप में बढ़ चुका है, एक तरफ ईशान किशन जो कि हार्दिक पांड्या के साथ खड़े हुए, वहीं पर दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024 में कैसा परफॉर्मेंस करेंगे? क्या हार्दिक पांड्या भी आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस को फाइनल में पहुंचा पाएंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। दोस्तों, यही घमंडी हार्दिक पांड्या आज से ठीक 2 साल पहले नीता अंबानी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए पैसों के लालच में आकर मुंबई इंडियंस का साथ छोड़कर गुजरात टाइटन्स के साथ चला गया था कप्तानी बनने के लिए। उस दौरान हार्दिक पांड्या ने नीता अंबानी से कहा था कि हमें मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाओ किसी भी कीमत पर, वरना मैं मुंबई इंडियंस का साथ छोड़कर गुजरात टाइटंस के साथ चला जाऊंगा और गुजरात का कप्तान भी बन जाऊंगा। लेकिन उस दौरान नीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या को कप्तानी देने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसके अनुसार हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ दिया था। लेकिन 2 साल बाद एक बार फिर से हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी हो गई है। हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस के लिए 5-6 साल आईपीएल में खेले हुए हैं। खैर, आप लोगों को क्या राय है, क्या हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा।